नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धन के एक बहुत बड़े फीचर के बारे में जो ट्रेडिंग व्यू के साथ आया है। और हमने अलग अलग चीज़ों अलग अलग तरीके से इस फीचर को दिखाया है, तो अब आज आपको मैं एक इंडिकेटर और लगा के दिखाऊंगा। तो स्क्रीन पे चलते हैं, कैसे सब कुछ होगा सब बताता हूँ। यहाँ पे हम आ गए हैं tradingview.com पे, ठीक है। अगर आपने कभी यूज़ किया हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि कोई इंडियन ब्रोकर इसके साथ जुड़ता नहीं था और यहाँ पे ऑप्शन चेन अवेलेबल नहीं था। लेकिन अभी के लिए हम ITC सर्च करेंगे, ऑप्शन चेन में दिखा चुका हूँ अब अवेलेबल है इस पे। लेकिन नॉर्मली अगर मैंने ITC सेलेक्ट किया सपोज़ कीजिए, एंड उसके बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरह की स्क्रीन पे पहुँच गए। यहाँ पे आप अपना ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग पैनल पे जाके। तो यहाँ पे आपको धन कनेक्ट कैसे करना है सबसे पहले ये बता दूँ, फिर उसके बाद ही सब कुछ आगे हो पाएगा। ये कुछ आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, और स्क्रीन के बाद आप अपनी ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर में दिखेगा कि लॉग इन वाया वेब, ठीक है। तो वहाँ से इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही यहाँ पे विंडो अपने आप ओपन हो जाएगी और आपका जो धन का अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब सब कुछ आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है। और मैं 44 मूविंग एवरेज का भी जो बता रहा था वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको दोबारा लॉगिन करने के बाद। मूविंग एवरेज पे आप गए, ठीक है। आपने कोई भी मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया, सिंपल मूविंग एवरेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर कुछ भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपको इंडिकेटर लगाना है वो आपको यहाँ पे बहुत आराम से मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज ऐड किया, ऊपर लिखा हुआ है SMA, ठीक है। इसकी लेंथ हम 44 कर देते हैं और आप ये देख रहे हैं बिल्कुल डाउन जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको पता है कि 44 मूविंग एवरेज कैसे काम करता है तो यहाँ पे हमें स्ट्रांग सेल करना है, ठीक है। और जैसे ही लाल लाइन टच करी थी हमारी ब्लू लाइन को, यानी कि जो रेड कैंडल है वो हमारी ब्लू लाइन को जब टच कर रही थी वहाँ पे हमें सेल कर देना था, ठीक है। और उसके ऊपर का हमें स्टॉप लॉस लगा देना था, तो हम बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर चुके होते, ठीक है। अब दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन अभी जो बात मेन है कि हम फीचर्स देख रहे हैं कि अगर हम इसे बाय करना चाहें या सेल करना चाहें तो कितनी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे आप कर सकते हैं। इधर रेड पे आप क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है, यहाँ बहुत आराम से आप सेल का बटन दबा के कर सकते हैं, ठीक है। और इधर से ही आप राइट कॉर्नर में सिलेक्ट करेंगे तो बाय भी आप कर सकते हैं। अभी इंट्राडे के लिए टाइम ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ और उस वजह से अभी ऑर्डर नहीं लग सकता। और बाय के लिए भी सेम चीज़ है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, अभी ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है। अगर आप दिन में करेंगे तो आपका ऑर्डर कम्प्लीटली आराम से लग जाएगा। अभी हम कोई हमने देखे अभी ऑर्डर रिजेक्ट हो रहे थे, तो अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें तो एक छोटा सा हम बाइंग करके देखते हैं कि हम क्या बाय कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम Zomato लेना चाहें तो Zomato हमें दिख रहा है कि अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है या थोड़ा सा नीचे आया है, हमें ठीक लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए मान लीजिए अभी ले रहे हैं। अभी अगर हम ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे तो लेना कितना सिंपल है ये बता रहा हूँ मैं आपको। सीधा गए, कैरी फॉरवर्ड करा, बाय करा और एक लिमिट आपको यहाँ पर बहुत आराम से आप ले सकते हैं। ये देखो बाय करा, एक सेकंड भी नहीं लगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे अब आपको पोजीशन आपकी दिख रही है कितनी आराम से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको पोजीशन को बंद करना चाहूँ, क्लिक करूँगा क्लोज पोजीशन एंड बिल्कुल आराम से पोजीशन यहाँ पे बंद हो जाएगी, ठीक है। तो देख लिया कितना सिंपल था, और इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। और तो इतनी स्पीड से अगर आप बाय करोगे तो आपको प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा ज़्यादा। होपफुली आपको ये फीचर अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आई होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।